हाउ टू यूज फ्लैक्स सीड्स फॉर वेट लॉस, कॉमनली नोन एज अलसी के बीज या फिर लिनसीड। मैं आज के वीडियो में आपको अलसी के बीज के फायदे बताऊंगी जो आपको वेट लॉस में बहुत हेल्पफुल हो सकता है, और तो और उसको कब, कैसे और कितना खाना है ये वाली इन्फॉर्मेशन भी दूंगी। दोस्तों, अलसी के बीज को एक सुपर फूड का दर्जा दिया गया है, वो इसलिए क्योंकि अलसी के बीज के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी प्लांट बेस्ड, जो हमारी ब्रेन और हार्ट फंक्शनिंग को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ऐसी होती हैं कि जो हमारी बॉडी नहीं प्रोड्यूस कर सकती, ये हमें एक्सटर्नल सोर्सेज से ही लेना पड़ता है। अब नॉन वेजिटेरियंस को तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स फिश जैसी सोर्सेज से मिल जाता है, लेकिन वेजिटेरियंस के लिए क्या, तो उन लोगों को अलसी के बीज का ही सहारा लेना पड़ता है। और तो और ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं खाने में, काफी नटी सा फ्लेवर होता है, तो बहुत लोगों को अच्छा भी लगता है। फ्लैक्स सीड्स एक बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन B1 का, जो कि थायमीन है। ये हमारी बहुत ही हेल्प करता है ब्रेन फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने में। और तो और फ्लैक्स सीड्स के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा भरपूर होती है, जैसे कि कॉपर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम और लाइनोलिनिक एसिड। इनफैक्ट फाइटोस्टेरॉल्स की मात्रा भी भरपूर होती है, जिसमें होते हैं लिग्निन्स। लिग्निन्स एक टाइप का फाइबर है जो कि डाइटरी फाइबर के तौर पर बहुत मदद करता है जब आपने वेट लॉस करना हो, और इसमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर की मात्रा भरपूर होती है। 1 टेबलस्पून ऑफ फ्लैक्स सीड्स के अंदर 2 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जिसमें से 1.9 ग्राम्स तो फाइबर ही होता है। तो आप सोच सकते हैं कि 1.9 ग्राम्स जो फाइबर है, उसमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर मिक्स्ड है, आपके शरीर में जाके बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है, आपके डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करता है और आपको एक फुलनेस की फीलिंग देता है। अगर आप 1 टीस्पून फ्लैक्स सीड्स को कंज्यूम करते हैं तो वो आपके पेट में जाके 9 गुना फूल जाता है। तो सोचिए, अगर वो 9 गुना फूल जाएगा तो कितनी सारी जगह ले लेगा आपके पेट में, यानी कि आपका पेट भर जाएगा। इसका मतलब आपको फुलनेस की फीलिंग भी होगी, और जितने इसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और गुडनेस हैं, वो आपकी डाइजेशन पे भी काम करेंगे, आपकी गट हेल्थ को भी अच्छा करेंगे। इसके अंदर विटामिन B12 की भी मात्रा भरपूर होती है, और तो और विटामिन D की भी। तो ये ओवरऑल एक ऐसा सुपर फूड है जो आप रोज अपने डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं। डाइटरी फाइबर का सबसे बड़ा ये रोल है कि ये आपको एक फुलनेस और सटाइटी की फीलिंग देता है, जिससे आपको अगले 3-4 घंटे तक भूख ही नहीं लगती, क्योंकि पेट आपका भरा भरा रहता है। और आपके पेट में जाके फ्लैक्स सीड्स फूल जाती हैं, एक जेल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती हैं, जो आपकी इंटेस्टाइनल वॉल्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी है। जितने भी टॉक्सिन्स हैं, सब कुछ उसके साथ निकल के बाहर जाएंगे, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट से भी लोडेड है। और क्योंकि फ्लैक्स सीड्स के अंदर शुगर और स्टार्च तो होती ही नहीं है, तो ये इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है, और ये कैलोरीज में भी बहुत कम है, इसलिए ये एक ऐसा सुपर फूड है जो लो कैलोरी होते होते आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है वेट लॉस में, क्योंकि इसके अंदर जो फाइबर और प्रोटीन की मात्रा है वो बेहद बेनिफिशियल है आप लोगों को वेट लॉस करने में। लेकिन फ्लैक्स सीड्स खाने का सही तरीका क्या है, अक्सर ये लोग नहीं जानते। फ्लैक्स सीड्स अगर आपने खानी है तो आपको धीमी आंच पे उसको रोस्ट करके, ग्राउंड यानी कि उसका पाउडर करके ही उसे कंज्यूम करना चाहिए। उससे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं फ्लैक्स सीड्स के अंदर, सारे के सारे आपके शरीर को भरपूर मात्रा में मिलेंगे। अगर आप उसको एज इट इज ही लेंगे बिना रोस्ट करे हुए, तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। और अगर आप पाउडर फॉर्म में रोस्ट करने के बाद इसे लेते हैं, तो जितने भी इसके न्यूट्रिएंट्स आपके न्यूट्रिएंट अब्सॉर्प्शन और तो और डाइजेशन पे काम करेंगे, उसी से आपका वेट लॉस भी होगा। फ्लैक्स सीड्स के अंदर अगर फाइबर की मात्रा देखी जाए तो कम से कम 60-80% तो इसके अंदर पाया जाता है सॉल्युबल फाइबर, और कम से कम 20-40% पाया जाता है इनसॉल्युबल फाइबर, जो आपकी गट हेल्थ और गट बैक्टीरिया को बिल्डअप करने में बहुत मदद करता है। इसी से आपका मेटाबॉलिज्म भी स्ट्रांग होगा, आपकी डाइजेशन भी स्ट्रांग होगी, जिससे फाइनली जाके आपका वेट लॉस होगा। और तो और ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल करता है बाय कंट्रोलिंग योर ग्लूकोज लेवल्स।
और ये आपके हंगर पैंग्स को भी कंट्रोल करता है, आपके एपेटाइट को भी कंट्रोल करता है और एक नेचुरल लैक्सेटिव की तरह भी काम करता है, जिससे फाइनली आपका वेट लॉस हो सकता है। अब जितना ये डाइटरी फाइबर में भरपूर है, उतना ही प्रोटीन में भी। इसके अंदर दो तरह की अमाइनो एसिड्स यानी कि प्रोटीन पाई जाती हैं, ग्लूटामिन और आर्जिनिन। ये बहुत ही एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी को भी बिल्डअप करती हैं और वूंड हीलिंग पोटेंशियल को भी। ये बहुत ही बेनिफिशियल पाई जाती हैं। सबसे ज्यादा फायदा प्रोटीन का ये होता है कि वो आपकी एपेटाइट को सप्रेस करता है, आपको एक फुलनेस की फीलिंग देता है, जिसकी वजह से आप ओवर ईटिंग नहीं करते। अब बताइए, अगर आप ओवर ईटिंग ही नहीं करेंगे, आपको एग्जैक्टली पता है कि कब कितना खाना है, तो आप भला वेट पुट ऑन क्यों करेंगे? तो फ्लैक्स सीड्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं इस तरह से आपका वेट लॉस करने में। फ्लैक्स सीड्स के अंदर लाइनोलेनिक एसिड कंपाउंड भी पाया जाता है, जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। इन्फ्लेमेशन कम रहेगी तो वेट लॉस भी आसानी से होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और तो और, लाइनोलेनिक एसिड आपकी कोलेस्ट्रॉल और न्यूरोलॉजिकल हेल्थ को भी बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, जिससे आपकी हार्ट फंक्शनिंग बेटर होती है, ओवरऑल बॉडी का हेल्थ बढ़िया रहता है। अब आपने ये तो जान लिया है कि फ्लैक्स सीड्स को कैसे और कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए, लेकिन ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि फ्लैक्स सीड्स को खाने के बहुत सारे तरीके हैं, ढेर सारी रेसिपीज हैं जो कि मेरी फेवरेट हैं और आप भी जरूर उन्हें ट्राई करिएगा। खास करके फ्लैक्स सीड्स के लड्डू बहुत टेस्टी बनते हैं। मेरे इसी चैनल डाइट रेसिपीज बाय नताशा मोहन पे डाइट लड्डू है, जिसमें फ्लैक्स सीड्स भी डले हैं और बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है। अगर आप चाहें तो उसके एनर्जी बार भी बना सकते हैं, कई लोग उसकी चटनी बना के उसे कंज्यूम करना पसंद करते हैं। और तो और, अगर आप फ्लैक्स सीड्स चाहें तो उसका आटा बना के अपनी डेली रोटी के आटे के साथ मिक्स कर सकते हैं, वो भी बहुत ही पौष्टिक तरीका है अपनी डेली रूटीन में फ्लैक्स सीड्स को इंक्लूड करने का। लेकिन मेरा सबसे फेवरेट है अपने फ्लैक्स सीड्स को खाने का, उसको मैं अपने ओटमील के ऊपर स्प्रिंकल कर देती हूँ। चाहे मैं ओवरनाइट सोक्ड ओट्स लूँ या फिर गर्मा गर्म एक बोल भर के ओटमील, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और फ्लैक्स सीड पाउडर, ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है और फ्लैक्स सीड्स भी मेरे शरीर के अंदर जाते हैं, जिससे पूरा पूरा पोषण मिल पाता है। ओट्स भी बहुत ही बेनिफिशियल है, अगर आप चाहें तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि फ्लैक्स सीड थोड़े ज्यादा गर्म है उनके लिए, तो उनसे परहेज करते हैं कंज्यूम करने के लिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप फ्लैक्स सीड्स को या तो दही में डाल के ले सकते हैं या फिर छाछ में, वो भी एक बहुत ही अच्छा और इंटेलिजेंट ऑप्शन है फ्लैक्स सीड्स को खाने का। क्योंकि जो फ्लैक्स सीड्स के गुण हैं, वो कूलिंग एजेंट दही या छाछ के साथ मिलके और भी ज्यादा फायदा करेंगे, आपकी गट हेल्थ तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो जाएगी। फ्लैक्स सीड्स खाने का एक और बहुत बढ़िया तरीका है कि आप डेली रूटीन में जो अपने फ्रूट्स खाते हैं, जब आप उसको काटते हैं तो उसके ऊपर फ्लैक्स सीड्स का पाउडर स्प्रिंकल कर दीजिए। बस एक टेबलस्पून ही काफी है और आपको पूरा पूरा पोषण मिलेगा पूरे दिन के लिए फॉर योर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। और ये तो आपको पता ही है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कितनी ज्यादा जरूरी हैं हमारे लिए। ओमेगा 3 की गोलियां खाने से क्या फायदा, जब आपके पास इतना हेल्दी ऑप्शन आपके घर में ही मौजूद है। जो सदियों से चला आ रहा है, हिंदुस्तान का कल्चर है कि हम अलग अलग तरह की रेसिपीज बनाते हैं फ्लैक्स सीड्स के साथ में, क्योंकि शायद हमारे एंसेस्टर्स को पता था कि यही सुपर फूड के अंदर हमारी हेल्थ का राज छुपा हुआ है। दोस्तों, फ्लैक्स सीड्स सिर्फ आपकी वेट लॉस में ही नहीं, लेकिन और भी चीजों में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रह सकता है। खास करके बीपी पेशेंट्स के लिए फ्लैक्स सीड्स बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। वो आपके बीपी को कंट्रोल करने में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। साथ में जिन लोगों को मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और तो और, मेनोपॉजल सिम्टम्स जिन लोगों को हैं, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। और खास करके ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि जिन लोगों को ब्रेस्ट मिल्क की प्रोडक्शन की प्रॉब्लम है, उनको डेफिनेटली फ्लैक्स सीड्स अपनी डेली रूटीन में जरूर इंक्लूड करना चाहिए, उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों, आई एम श्योर आज इस सुपर फूड के बारे में जानकर आपको बेहद खुशी भी मिली होगी और काफी जानकारी भी। अगर आपके पास कोई डाउट्स और क्वेश्चंस हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में पूछ डालिए, मेरे इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। आई विल सी यू सून विद मेनी मेनी मोर एक्साइटिंग वीडियोस। अंटिल देन, टेक केयर।